सुनिया तो है पर मनिया मुनिया कुछ नहीं, सुन के अनसुनिया कर दिता भी कोई नहीं, ये तो रोज़ का ही काम है कही दिंदे। देखो जो सुनना ना, सुनना बड़ी वड्डी कला है जी। आ जिन्हें तुसी बैठे हो ना इत्थे सारे, तुसी सरोते हो सारे, एक वक्ता हुंदा बोलण वाला, बाकी सरोते हुंदे ने। सरोते का गुण वक्ते नालों वध हुंदा है, वड्डा हुंदा है। सरोते की पदवी वड्डी है क्योंकि बोलण वाले ने तो बोली जाना है, पर बोलते वाले दे बोलां नूं सुनना, एकाग्र चीत हो के बैठे रहना, लगातार शरीर नूं भी जोड़ के रखना, मन नूं भी जोड़ के रखना, बड़ी वड्डी कला है। वैसे सरोते दे ते वक्ते दे 14-14 गुण विद्वानों ने बख्शिश किए, पर हुण समा समाप्त है। मैं एक निक्की जी बेनती करके समाप्ति करा। सुनण वाला श्रोता वो कहो जिहा हुंदा है? विद्वानों ने श्रोते दे चार प्रकार दसे ने जी। कहते चार तरह के स्रोते होंगे ने सुनने वाले, किड़े? सूंगे, चूंगे, ऊंगे, तो चौथा शब्द है जी डूंगे। बहुत ध्यान नाल सरवण करियो, चार तरह की बिरती है स्रोतियां दी। चार तरह के स्रोते ने जां स्रोतियां दे चार पक्ष ने, सूंगे, चूंगे, ऊंगे ते डूंगे। सूंगे कौन होंगे ने? सूंगे का अर्थ है भी जिहड़े सूंघते ने, भाव की है भी जिहड़े ये देखते हैं भी कौन आया, किवें आया, की पा के आया, कित्थे बैठा, की करता है, की नहीं करता है। सुरत सारी इत्थे ही खिंडी रहिंदी है। बस इन्हें अज किहड़े कपड़े पाए ने, इन्हें मत्था किवें टेकिया, इन्हें अज भेटा की रखी है, ये किधर नूं परिक्रमा की, किधर नूं कीता। शब्द चल रहे, बाणी चल रही है, कोई पता नहीं, बस आई जाई संगत नूं दिखे। सूंघे दूजे ने चूंगे, चूंगे कौन होंदे ने? नुकता चीनी करन वाले। उन्होंने बस ये देखना भी इतने नुक्स केड़ा लब्भे तो मैं छेती छेती जाके दसा। किसी बंदे च नुक्स कढ़ देणगे, किते होर नुक्स कढ़ देणगे। उन्होंने वो जिहड़े गुण वरतदे आ उन्हां नाल संबंध नहीं जोड़ना, जिहड़ा औगण है उत्थे जाके सुरत जाएगी। ये है चूंगे। तीजे हुंदे ने जी ऊंगे, वो मेरे वर्गे बहुत हुंदे ने, भी जदों बैठन लगो 5 मिंट बाद अखां बंद, ऊंग रहे ने, नींद आ रही है, झोल पै रही है, झटके लग रहे ने, क्योंकि सुरत नहीं जुड़ी हुई। इहनूं ऊंगे कहिंदे ने। चौथी पदवी है वह बड़ी प्यारी है, ये बहुत घट लोगों के विरले होंगे ने। वह कौन होंगे ने? वह होंगे ने डूंगे, गहरे, जिन्होंने कुछ नहीं पता, वो एक बार जुड़ गए भावें अखां बंद ने, ऊंगणगे नहीं, पर उन्होंने नींद से झटके नहीं आएंगे। वो सुरत इतनी जुड़ जाएगी, बल्कि मन जागना, जुड़ना, स्थिर होना शुरू हो जाएगा। वह एक एक शब्द को सुन के उसकी गहराई तक आप चले जाते हैं। हो सकता है वक्ता इत्थे बोलण वाला भी उन्ना गहरा डूंगा ना जा सके जिन्ना स्रोता चला जाता है। यह जरूरी नहीं भी बोलण वाले नूं बहुत कुछ आउंदा है, सुणन वालियां नूं कई बार ज़्यादा ज्ञान हुंदा, पर जिहड़ा डूंगा होएगा, गहरा होएगा, जिहदी सुरत बड़ी गहरी चली जाएगी। हुण इह असीं वेखी अपने आप विच वी साडे चों सूंघे किहड़े ने, चूंघे किहड़े ने, ऊंघे ते डूंगे कौन ने। वैसे चार श्रेणियां दी जे रेशो बराबर कढ़ांगे ते 25-25% बनेगी, पर मैं आंदा आंदा सोच रहा सी भी 25 नहीं, वैसे 33-1 की बननी चाहिए है। 33-33-33 वाले 3% ने जिहड़े डूंगे ने, पर चलो आप थोड़ा जा घट कर लें। 30% चूंगे, 30% सूंघे, 30% ऊंगे, तो 10% मालिक की कृपा नाल डूंगे होंगे ने। 100 विचों 10% ने जिहड़े गुरु के शब्द नाल सुरत जोड़ते हैं, शब्द चो गुरु के रस लेंदे ने, तो शब्द चो रस लैके रसदायक होकर रसवान पुरख बन जाते हैं। गुरु मेहर करे साड़ी बिरती भी डूंगी होवे, गहरी होवे, छड़ दिओ बाकी जी कुछ नहीं। इत्थे आउने हाँ गुरु कोल आउने हाँ, शब्द नाल सुरत जोड़िए, नाम नाल जोड़िए, वह बचना नाल जोड़िए, जिहड़े महाराज सानू इस अस्थान ते आके अमृतमई कीमती बचन सुणाउंदे ने। जदों ओह सुणांगे महाराज कहिंदे मैं लिख के दे रहा सुनी है, दुख पाप का नाश, जिहड़े दुख दवाइयां नाल, जिहड़े दुख संसारी जंतरां मंत्रां नाल, किसी लोगों के कर्म कांडा नाल नहीं ना मिटे, तो गुरु की सच की बाणी सुन लै, तेरे दुखां ते पापां दा नाश हो जाएगा। तो सुनिया दी चार पौड़ियां की समाप्ति है जी। हुण कल गल